गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन। आज हम डिस्कस करेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? संधारित्रों का ऐसा संयोजन होता है जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर का मान है वो समान रहता है। ऐसे संयोजन को हम संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, देखिए डायग्राम में आपको तीन संधारित्र दिखाए गए हैं जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 हैं। इस प्रकार के संयोजन में क्या करते हैं, इन संधारित्रों की प्रथम प्लेट को एक उभयनिष्ठ बिंदु P से संयोजित कर देते हैं, जबकि सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को अन्य उभयनिष्ठ बिंदु N से संयोजित कर देते हैं, और P को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, ये बैटरी के जो प्लेट्स हैं वो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट हैं, इसलिए इन प्लेटों के मध्य विभवांतर होगा वो बैटरी के विभवांतर V के बराबर होगा। लेकिन जब आवेश का प्रवाह होगा तो आवेश के लिए यहाँ तीन पथ होंगे। कितने पथ होंगे? तीन पथ होंगे, और इनकी धारिताएँ अलग अलग होने के कारण है और इन प्लेटों पर आवेश के मान भी अलग अलग होंगे। तो यहाँ आवेश क्यू है वो तीन भागों में बढ़ जाएगा, Q1, Q2 और Q3। फर्स्ट पर क्यू बना जाएगा फर्स्ट प्लेट पर, दूसरे की पर Q2 और तीसरे संधारित्र की पर प्लेट पर Q3। और यहाँ Q1 होगा तो यहाँ -Q1, यहाँ Q2 होगा तो इतना, यहाँ पॉजिटिव जितने इलेक्ट्रॉन है बैटरी यहाँ क्या करेगी, आकर्षित करेगी, उतने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे दिए जाएंगे इनको, दूसरी प्लेट पर, जिससे क्या आ जाएगा, इन पर ऋणावेश आ जाएगा। समझ में आ गई? तो आपने क्या देखा कि इन पर विभवांतर समान है, धारिताएं अलग अलग होने के कारण इन पर आवेश के मान क्या हैं, भिन्न भिन्न है। ये तुल्य परिपथ दिखाया गया है जिसमें तुल्य संधारित्र है जिसकी धारिता CP, आवेश Q और विभवांतर V है। अब देखो, यदि संधारित्रों पर आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 हैं तो Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V और Q3 इक्वल टू C3V। क्लियर हो गया? और कुल आवेश, यदि कुल आवेश क्यू है तो क्यू इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आ जाएगा, और क्यू C1V प्लस C2V और C3V। Q1 Q2 3 के मान रख दिया हमने, यहाँ से क्या कॉमन है इसमें V, तो यहाँ रह जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, इन तीनों संधारित्रों के तुल्य हमने एक संधारित्र, इन तीनों संधारित्रों को एकल संधारित्र से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, जिसकी धारिता कितनी है, आवेश कितना है Q और विभवांतर कितना है V। तो यदि तुल्य संधारित्र की धारिता CP है तो Q इक्वल टू अपने पास आ जाएगा CP इंटू V। इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन 1 व 2 से अपने पास आ जाएगा CpV इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ब्रैकेट इंटू V। V से V कैंसिल, तो CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, और यदि N संधारित्र
समांतर क्रम में जुड़े हो, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 अप टू सो ऑन। तो अपने पास आ जाएगा CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और प्लस आ जाएगा CN। ये क्वेश्चन थर्ड हो गई और ये क्वेश्चन फोर। ओके, हाँ आगे देखिए, हम हमने तुल्य धारिता प्राप्त कर ली CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और n संधारित्रों के लिए बताया था मैंने आपको C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। ओके, तो देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम में संयोजन में तुल्य धारिता का मान संयोजन में प्रयुक्त संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होता है। पहले के C1, दूसरे के C2 प्लस और तीसरे के C3, इन सब का हमें क्या करना है, सिंपल योग करना है। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान संयोजन में प्रयुक्त अधिकतम धारिता वाले संधारित्र से भी अधिक होता है। देखो दोनों बातों को समझिए, ये अपने पास कितने संधारित्र हैं, तीन हैं। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और C3 इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड, ये है ना। तो इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे तो क्या बताया मैंने, सभी धारिताओं का हमें सिंपल योग करना है, योग कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 6 माइक्रोफेरेड आ गया। अब 6 माइक्रोफेरेड मैंने क्या बताया कि तुल्य धारिता का मान सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र से भी अधिक है। सबसे अधिक कितनी है इसमें, तीन, तीन से भी ज़्यादा है ना 6। क्लियर हो गए दोनों पॉइंट। आगे देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। फर्स्ट पॉइंट है कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन तभी काम में लेते हैं जब हमें उपलब्ध संधारित्रों से अधिक धारिता का संधारित्र चाहिए। समझ में आ रही बात। जैसे मैंने अभी पिछले एग्जांपल में बताया था C1 इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड, C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड, C3 इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड। अब हमें इससे अधिक धारिता का संधारित्र चाहिए तो हम कौन सा संयोजन काम में लेंगे, श्रेणी क्रम में संयोजन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन, सॉरी संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन तभी काम में लेते हैं जब हमें उपलब्ध संधारित्रों से अधिक धारिता का संधारित्र चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर का मान समान रहता है, विभवांतर का मान समान रहेगा। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर का मान समान रहता है तो V1:V2:V3 करेंगे तो आएगा 1:1:1। परंतु आवेश है वो संधारित्र की धारिता के समानुपाती होता है। क्यों, देखो आपको मैंने बताया Q इक्वल टू क्या होता है, CV। अब इसमें V तो नियत है, इसका मतलब Q प्रोपोर्शनल क्या होगा, C होगा ना, Q प्रोपोर्शनल C होगा। तो Q1:Q2:Q3 अगर ये करेंगे तो अपने पास आ जाएगा C1V:C2V:C3V। वी से वी कैंसिल तो Q1:Q2:Q3 अपने पास आ जाएंगे C1:C2:C3। क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए, यदि सी धारिता के एन संधारित्र समांतर क्रम में
जुड़े हो तो तुल्यधारिता देखिए सीपी इक्वल टू आ जाएगा सी प्लस सी और इनको ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा सीपी इक्वल टू आ जाएगा एन सी। मतलब तुल्यधारिता क्या होगी, तुल्यधारिता होगी वो एक संधारित्र की धारिता इंटू संधारित्रों की कुल संख्या। क्लियर। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, इसमें संधारित्र की प्लेटों के मध्य तीन परावर्तकांक एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर टू, एप्सिलॉन आर थ्री की पट्टिकाएं रखी गई हैं। ये पट्टिकाएं इन प्लेटों के, संधारित्र की प्लेटों के लंबवत रखी गई हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि इन्हें ये जो संयोजन अपने को जो दिया हुआ है, ये व्यवस्था जो दी हुई है, वो तीन संधारित्रों के तुल्य होगी जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब देखो सभी की जो प्रथम प्लेट है वो पी पॉइंट से जो पॉजिटिव है और सेकंड प्लेट है वो एन से जुड़ी हुई है जो नेगेटिव है। तो इस स्थिति में देखो आप कि ना प्रत्येक संधारित्र की जो प्लेटों के बीच की जो दूरी होगी वो होगी डी होगी, लेकिन इनका क्षेत्रफल होगा वो ए वन, ए टू और ए थ्री। ओके तो देखिए प्रथम संधारित्र की धारिता आ जाएगी मेरे पास ए वन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर वन अपॉन डी, दूसरे की आ जाएगी ए टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टू अपॉन डी, और तीसरे की आ जाएगी ए थ्री एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर थ्री अपॉन डी। क्लियर। तो अपने पास से तुल्यधारिता आ जाएगी सी पी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, और सी वन या और सी टू और ये ए थ्री एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर थ्री अपॉन डी। ओके अब इसमें कॉमन क्या है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो अंदर आ जाएगा ए वन एप्सिलॉन आर वन प्लस ए टू एप्सिलॉन आर टू प्लस ए थ्री एप्सिलॉन आर थ्री। ओके क्लियर हो गया। थैंक यू।